मिनट्स भी कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें इलाके के बारे में बताएं, कैसे कैसा एक्सपीरियंस है और क्या कुछ है यहाँ पे? सीजन में दो चार छः में आते गर्मियों में इधर आते हैं, सीजन में ही बस आते हैं। ठंडी हवा आई है यहाँ की, पानी ठंडा है, ठीक है। बाकी तो बस माल वैसी इधर। इलाकों के क्या नाम है जैसे आप नाम बता रहे थे? ये जो सामने आपको नजर होगा ये हमारे वो दिखाने की कोशिश है, वो कच्चे सामने है, ये इसको तरकन्ना ढोक कहते हैं, ठीक है। ऊपर जो है ना साली पोस्ट है, ठीक है, टॉप साली से कहते हैं, तो थोड़ी सी उसमें धुंध भी आई है, ये साली पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद वहाँ पे बॉर्डर मतलब नजर आ सकता है मौसम क्लियर जब, उधर जब आदमी होना तो उधर से बॉर्डर क्लियर नजर आता है। वहाँ पे मुजफ्फराबाद जैसे बता रहे क्लियर नजर आता है, अगर मौसम बिल्कुल क्लियर हो रहा तो बहुत सारी जगह नजर आती है, चूंकि हाइट बहुत है ना, इतना कुछ नजर आता है कि मैंने क्या हाइट है इसकी बनारस भाई, इसकी साली की तकरीबन 11,000 11,000 कुछ सौ है, तकरीबन 11,000 कुछ सौ है। डिडोरी जो है ना आप उधर खड़े हो जाएंगे, ये डिडोरी अभी जो है ना हमें नजर नहीं आ रही बादलों में, ये सबसे ऊंची चोटी है इस एरिया की ना, ये सबसे ये सेकंड हाईएस्ट है, ठीक हो गया। फर्स्ट हाईएस्ट वो डिडोरी है, ठीक है। हले बर्फ है खत्म? अब डिडोरी में होगी अभी भी बर्फ होगी, नहीं नजर आती है? हाँ अभी धुंध वगैरह ना हो तो कुछ जगहों में नजर आती है, लेकिन वो उधर से दोबारा से जब उधर जाए ना आप तो आपको उधर से नजर आएगी। और क्या खासियत है खास यहाँ के लोग खास है जी? हमारे लिए तो ये हम बाज का बहुत तंग होते हैं ठंडी हवा में, बता रहे थे कि 3 महीने कहीं और रहते हैं, फिर 3 महीने कहीं और, तीन घर होते हैं, तीन घर होते हैं, घर में सेम सब बता रहे थे कि हमारे तीन घर होते हैं आपके। सर्दियों का जब जोर होता है ना तो हम नीचे होते हैं, बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, गाँव में उसे गाँव कहते हैं, जो उससे थोड़ा दरमियान में होता है उसे टक्की कहते हैं, जिसमें एक दो मार्ग आते हैं आते हुए, फिर जब यहाँ पे सर्दी शुरू हो जाती है ना वापस जाते हैं, फिर एक दो माह हम टक्की में गुजारते हैं, फिर जो सर्दी की शुरुआत होती है फिर गांव में, आखिरी जो आखिरी है ना वो हरदुम्ब है। थैंक्स करो जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, वो आपने इतना पॉइंट लिखा है और मैंने कभी इस तरह की जगह नहीं देखी, और वाकई लग रहा है कि जन्नत है वाकई, और कश्मीर वाकई जन्नत है। अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, देखिए कोई पक्षी नहीं है, मच्छर नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा, ऐसा सब कुछ नेचुरल है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।